Dear student, I want to teach you about Ohm's law. You have already studied about Ohm's law and you get a relation V equal I R. And R equal V by I. क्योंकि आर जो है रेजिस्टेंस इन किन चीजों पे डिपेंड करता है, आप जानते हैं उस दिन हमने आपको बताया कि इसकी यूनिट ओम है, तो आर किन किन चीजों पे डिपेंड करता है आप देखें। पहली बात कि आप अगर कॉपर वायर लेते हैं तो उसमें इजिली करंट फ्लो कर जाती है, वायर भी नहीं गर्म होता है क्योंकि वो ज्यादा फ्लो कराता है इलेक्ट्रिक करेंट का। अगर आप और टंगस्टन वायर लेते हैं तो वायर जल्दी गर्म हो जाता है, उसका रेजिस्टेंस हम कहते हैं कि ज्यादा है। तो पहली बात कि कॉपर एक हमने लिया, एक टंगस्टन लिया, तो पहली बात जो रेजिस्टेंस है ये प्रतिरोध, इसको हिंदी में रेजिस्टेंस अंग्रेजी में कहते हैं रेजिस्टेंस, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मैटर। दूसरी बात हमने कहा कि ओम बार बार जो है स्विच को ऑफ कर देता था रीडिंग लेने के तुरंत बाद, फिर वो ऑन करता था ताकि टेम्परेचर ना बढ़ जाए। टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा वायर का। तो दूसरी बात कि डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। बच्चों एक रिलेशन होता है आपको पढ़ना नहीं, आप जान लीजिए आर टू इक्वल हम लिखते हैं यहां आर वन वन प्लस एल्फा डेल्टा टी। टेम्परेचर जब बढ़ेगा ये एल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट, इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता है। तीसरी बात लेंथ पर, आप जितना ही लंबा वायर लोगे उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, जितना छोटा वायर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और लेंथ घटाने पे रेजिस्टेंस घट जाएगा। तीसरी चीज ये चौथी चीज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन जितना ही ज्यादा होगा उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा और जितना ही क्रॉस सेक्शन कम होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। मींस पतले वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम होगा। इसमें दो चीज आप देखो बच्चों, ये दो चीज तो हम अपनी इच्छा अनुसार, जैसे कोई भी वायर है उस अपनी इच्छा अनुसार उसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं, उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले सकते हैं। मेटल कोई अलग हो, कोई भी मेटल हो उस मेटल का अपनी इच्छा अनुसार मोटा वायर ले सकते हैं, पतला वायर ले सकते हैं। ये दो चीज तो इस बात पे डिपेंड, अलग बात पे डिपेंड करती है। मेटल एक ही होगा और ये दो चीज अलग है। यहाँ ये दो चीज देखिए, यह मेटल पर डिपेंड करता है और ये टेम्परेचर पर डिपेंड। तो डिपेंडेंस ऑफ मैटर एंड टेम्परेचर, इसकी एक अलग कांस्टेंट हम ले लेते हैं बच्चों।
एक अलग कांस्टेंट होता है और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। हम कहते हैं जो रेजिस्टेंस है इसको एक नया नाम देखिए, ये प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो गया, लंबाई बढ़ाने पर बढ़ जाएगा, और प्रोपोर्शनल टू 1/a होता है, एरिया बढ़ाने पे घट जाएगा। क्रॉस सेक्शन उस पदार्थ में ये दो चीजें है, उस पदार्थ में लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो आर प्रोपोर्शनल टू मिल जाता है एल बाई ए। अब बच्चों जब इस प्रोपोर्शनल को इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो जो कांस्टेंट आता है उसको हम कहते हैं रो। ये रो है आर एच ओ और इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। ऑफ कंडक्टर या मैटर कह सकते हैं क्योंकि ये डिपेंड किस पर किस बातों पर करता है, इसका इसकी जो डिपेंडेंस है वो किस पे है, नेचर ऑफ मैटर एंड टेम्परेचर। तो ये जो रो है इस कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मैटर एंड टेम्परेचर। बच्चों एक बार फिर से हिंदी में आप देख लें, ज्यादा पढ़ना उचित नहीं है आपको। ये वी इक्वल आई आर हम लोग इसके पहले जो लेक्चर हमने दिया था उसमें आपने पढ़ा हुआ था, ओम्स लॉ आपको हमने बताया था। तो आर इक्वल वी बाई आई हो जाता है, इसकी यूनिट भी हमने आपको बताया था, सर साइमन ओम ने अपने नाम पे ही इसको ओम कह दिया। अब आर किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, पहली बात कि मैटर का नेचर कैसा है, मतलब वो किस पदार्थ का बना हुआ है, जो कंडक्टर है वो कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, टंगस्टन का है, मैग्नीन है, कॉन्स्टेंटन है, किस पदार्थ का बना हुआ है। दूसरी चीज टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ जाता है और टेम्परेचर घटाने पे घट जाता है। लेकिन बच्चों एक चीज है, एक और चीज है जो जिसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटता है, उसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक, फिर आप वो चीज आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो ये टेम्परेचर के साथ बढ़ जाता है। अगली चीज क्या है, लेंथ बढ़ाने पे बढ़ता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने पे घटता है, इसको घटाने पे बढ़ता है। पतला वायर लेंगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और मोटा वायर लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। इन तीन और चार को, थर्ड एंड फोर्थ को अगर हम लेते हैं तो आर जो है रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। इस प्रोपोर्शनलिटी को जब इक्वालिटी में बदलते हैं तो आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए मिलता है। इसको अगर बराबर के चिन्ह में हम डालें तो यही रो मिल जाता है। रो इन चीजों पे, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मैटर एंड टेम्परेचर, फर्स्ट और सेकेंड पे ये डिपेंड करता है बच्चों। इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मैटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैटर एंड टेम्परेचर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।